आप धमकी कर रहे हैं, हमको आप इज्जत कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल आप इज्जत कर रहे हैं, धमकी नहीं, बिल्कुल बेइज्जत कर रहे हैं। आप उठा के हमको बंद करिए, धमकी नहीं, बंद करिए अभी हमको, धमकी नहीं दी आप हमको बेइज्जत कर रहे हैं, बिल्कुल हमको क्यों बात मानेंगे, गोली मार दीजिए हमको, मार दीजिए गोली हमको, गोली मारिए आप हमको। आप हमारे दरवाजे में हो रहा हमला, मंदिर में आकर के आप कैसे कर दीजिए, रोक दीजिए। कितने मस्जिद को आपने रोका है, सारा मस्जिद इंक्रोचमेंट हो रहा, आपने रोका है, गोली मार दीजिए आपसे। आपसे हमने क्या बताया था, आप उंगली निकाल करके आप नीचे, अभी तो उंगली दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप नीचे, बिल्कुल नहीं, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, देखिए आप सरकार के दबाव में इतना काम मत करिए डीएम साहब, सरकार के दबाव में नहीं, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपको, सरकार के हाथ जोड़ रहे, पूजा करने दीजिए, कोविड के बाद कोरोना सुनिए आप चल करके कितना गाइडलाइन पालन हुआ कि आप यहाँ पर आपके मंदिर से अरे भैया सुनिए, आप हमारी बात नहीं समझ पाए, वहाँ लोगों को टोकन बताए, सुनिए 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 सुनिए, पहले मेरी अभिषेक बैकग्राउंड से कुछ बोलिए, आप मेरी बात सुनिए, मैंने मीडिया है यहाँ पे, मीडिया को मैंने क्लियर करा के ब्रीफिंग किया कि भाई आप इस कमेटी के मेंबर घर घर जाकर प्रसाद वितरण कर रहे हैं, होम डिलीवरी का मतलब यही होता है, और पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन का गाइडलाइन जो है वो आप लोगों को बताया गया, हर पर्टिकुलर मीटिंग कराया गया, आपसे इंडिविजुअली फोन पे दो दो बार बात नहीं समझ इस पर्टिकुलर चीज को लेके कि होम डिलीवरी का मतलब क्या है, सार्वजनिक साहब है, आप लोग सारे लोग पत्रकार मीडिया है, सुनिए सार्वजनिक वितरण नहीं, जितना आपने गाइडलाइन किया है उससे ज्यादा हमने गाइडलाइन किया, उससे गाइडलाइन ज्यादा हमने किया, 5 फीट की मूर्ति बैठाया, सार्वजनिक पूरा लाइटिंग नहीं हुआ, विसर्जन नहीं निकलेगा, किसी प्रकार का माइक का गाना आपने नहीं सुना होगा, सुनिए, लेकिन मंदिर में यहाँ पर लोगों को लाइन लगाए, ठीक है वो कंजेस्टेड हो गया, उससे पत्रकार भी है, आप ये बताइए ना कि कितने लोग को हम लोग कोविड में हम लोग सहारा कर रहे हैं, आप लोग नहीं बोलिए, देखिए हम प्रशासन की जितनी मदद की उतना मदद किसी ने नहीं किया, जमशेदपुर वासियों का आज के दिन में आभारी हूँ कि उन्होंने आज के वैक्सीनेशन में अच्छा किया। नहीं नहीं देखिए आपने आपको यही बात मेरी फोन करके सोशल डिस्टेंसिंग करवाते हम पास में हम बहुत भीड़ मत लगाइए, पहले भीड़ मत लगाइए, पहले हट जाइए, मास्क से जोर नहीं हट जाइए, भीड़ मत लगाइए, भीड़ मत लगाइए भैया, थोड़ी देर आजिए आप और साइड से करिए, मेरा लाइव चल रहा है भैया, लाइव चल रहा है, इसी वितरण हुआ कि यहाँ तुम नहीं करेंगे, मंदिर से ऑलवेज नहीं होता है, नहीं तो यही तो बात है कि मंदिर से और पंडाल से बात नहीं थी, बात बताइए कि यहाँ कोई भी मेला लगा खेला, हम इस गरीब को नहीं भगा सकते, हम इस गरीब को नहीं भगा सकते, मैं कर ले रहा हूँ, हम नहीं कर रहे, कर ले रहा हूँ, बेचेगा वो आपको जो इच्छा है वो कटेगा की कटेगा, आप तय कर होम डिलीवरी का रूल मैंने आपको बताया था, पंडाल मंदिर में फर्क नहीं पड़ता, होम डिलीवरी स्पेशली इसीलिए किया गया था जिस तरीके से जुटा नहीं दिया, अभी हम आए बताइए, हम पंडाल टेक्निकल बात समझिए, हम पूरा बात हम पूरा पूरा पंडाल जब ये पूरा का पूरा चीज जो है यहाँ इसी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में तो मैं बोल रहा हूँ, बताइए कि आप तक दो तीन सिपाही आकर के हम लोग कितने में कंट्रोल करवा लेते हैं, घर में बिठवाइए ना, आप सब अपने कार्यकर्ता को घर में भेजिए, ये जो प्रसाद है इसको गाड़ी में रखवाइए, घर घर बंटवा दीजिए, जब घर घर बंटवा दीजिए, एकदम एक एक बंदे के घर एक बात है, बहुत तकलीफ है, बात देखिए इससे ज्यादा हम मदद नहीं कर पाएंगे आपसे, पूरे पूरे प्रशासन को हमने जितना मदद किया उसका दंड आप लोग हमको दे रहे हैं, बताइए मंदिर में आके आपने प्रकार कैसे बोल सकते, हम दौड़ करके आपसे बात हो जाते हैं, राजनीति नहीं कर रहे, क्या राजनीति कर रहे बताइए, इसमें राजनीति कर रहे
गाइडलाइन अधिकारी मेरा काम है जो आदेश आता है उस पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट किए कि नहीं सुन लीजिए इम्प्लीमेंट किए कि नहीं सारे चीज ने किया बस एक किया नहीं किया तो आप हमको दंड दे रहे हैं दंड नहीं दे रहे हम आपको यही बता रहे हैं कि आप कीजिए ना भोग बंटवाना बैन नहीं है मैंने आपको उस दिन भी बोला था भोग बंटवाना कि शहर में कि राज में कहीं फीता कटता कहीं नहीं कटता नहीं ये दोनों बात नहीं हो सकता जहां फीता नहीं नहीं आप हमको इसके बाद देखिए रगड़िए आप बाद में बात करें बाद में बात करें छोड़िए किसी क्यों रगड़ेंगे हम आप खुद इम्प्लीमेंट करिए देखिए आप होनहार है होनहार डीएम है हम लोग आपकी कद्र करते हैं लाइफ चल रहा है दोनों का बढ़िया से चल रहा है विजुअल नहीं आ रहा बोल के भाई कौन से अब क्या निकालो अब नहीं होगा आपके लिए अंदर लगा कि आपसे टेलीफोन बात अगर आपको किसी पिछले वर्ष आप हमसे 10 बार बोले लगा के चक्कर लगा आप यहाँ आए हैं आपने बोले हैं कि हम यहाँ आए हैं घूमे हैं तो उस अपेक्षा में कहाँ भीड़ है मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये तो इस बार त्यौहार ही बन रहा है पिछले बार की जो कंडीशन थी आपने देखा था क्या था सबको कोरोना के आपका पंडाल जो है लीडिंग पंडाल ठीक है जो आप करोगे बाकी अनुकरण करते हो आप होम डिलीवरी कराओ बाकी सब जो है हमने तो इतना करवा दे इतना सूरज बाबू मदद किए हैं मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं कभी इस और जब आप मेरे जगह समाज बनेंगे ना तो आप वही काम करें जो मैं करूँ मैं आपकी जॉब की डिफिकल्टी को इंकार नहीं कर रहा हूँ आप जिस पोजीशन पे हैं मैं अच्छा मैसेज नहीं मैं अच्छे मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ मेरा पक्का है कि ये पूरा का पूरा चीज़ होम डिलीवरी पहले संगठनों से आग्रह करता हूं कि आप इसमें हमारा सहयोग करें मैं जिला प्रशासन से और सरकार से हमारे हेमंत जी सरकार जो हैं जो हिंदू विरोधी सरकार है हिंदू विरोधी जिला प्रशासन भी हो गया लगातार हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है हमने स्पष्ट कहा डीसी साहब को आपको टेलीफोन करना चाहिए था टेलीफोन करते अगर हम उस बात को नहीं करते तब हम उसे कहते मंदिर से भोग नहीं बटेगा तो भोग कहां से बटेगा हमको बताइए पंडाल से भोग नहीं बटा मंदिर से बट रहा मंदिर से बटता है पिछले साल भी बटा है आप मुझसे बात कर लेते तो आखिर किस प्रकार की खुन्नस आप निकाल रहे हैं क्या भोग वितरण करना अपराध है क्या भोग बांटना अपराध है क्या भोग लोगों को देना अपराध है क्या कोई घर से व्यक्ति मंदिर के जाके कतार में लग गया वो अपराध है अगर ऐसा अपराध हुआ है तो ऐसा अपराध हम बार बार करने को तैयार हैं लेकिन मैं प्रशासन से कहता हूं कि आपने मंदिर में आकर के लोगों के कतार को तोड़ा है जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे जिला प्रशासन हमारा मूर्ति का विसर्जन हम नहीं करेंगे अगर विसर्जन करना है प्रशासन आके मूर्ति लेते जाए हमें जेल में भेज दे उसके बाद मूर्ति का विसर्जन कर लें जिला प्रशासन को माफ़ी मांगना होगा आप किसी मंदिर पे जाके हमला कर देते हैं मंदिर में जाकर के लोगों को अपरातर्पी कर वहाँ के समितियों से आपने बात क्यों नहीं किया पहले आपको क्या अधिकार किसी ने दिया कि आप मंदिर में जाकर के आप बल प्रयोग करें और ताकत का नुमाइश करें अपने कानून का आप बोध कराने के लिए तत्पर तैयार हो जाए पूरे हिंदुस्तान में अगर क्या कोई ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर प्रसाद न बटता हो आप जाकर के देखिए कई हमारे आस्था का केंद्र प्रभु का केंद्र जहाँ पर लोग बैठा करके भोग करा रहे सारे फूटे जब मंगा लेते हम आपको देने को तैयार है बगल में बंगाल है 10 करोड़ का पॉपुलेशन है क्षेत्रफल वही झारखंड कितना 3.25 करोड़ में अलग कानून और जहाँ 10 करोड़ वहाँ थीम पंडाल बना लाइट लगा यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री जाकर के आरती उतारी लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री को यहाँ हिंदुओं से कहीं ना कहीं तकलीफ है और राजस्थान घूम रहे हैं इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ
कि आपके आपके प्रशासन ने गलत किया है, मंदिर के आकर के आपने बल प्रयोग किया है, मंदिर का श्रद्धा का केंद्र के साथ आपने गलत किया है। जब तक जिला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा मैं अपनी मूर्ति विसर्जन नहीं करूंगा। ठीक है, अवसर पर देश के तमाम नागरिकों को राष्ट्रीय जनता दल झारखंड की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, क्योंकि दुर्गा पूजा का पर्व असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है। इसलिए इस पर्व को सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ मिलकर के मनाएं।